हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुंचे हैं, ये बन का नाम है बहुला बन है। ये जो बहुला बन, शंकर जी कहते पार्वती, ये जो बहुला बन है, जो द्वादश बन में जो जो पंचमा बन है, ये बहुला बन है। शंकर कहते पार्वती, अगर कोई ये बहुला बन में आए और यहाँ पर आचमन ले और यहाँ पर लीला स्थलियों को कथा सुने और यहाँ का धूल को अपना शरीर में लगाए, तो कहते वो चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त होकर के भगवत भक्ति और भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं। जो बहुला बहने हैं, दो तीन कारण से इसका नाम बहुला नाम पड़ा है। कहते बहुम लाती थी बहुला, ये एक अर्थ है। इसलिए कहते यहाँ पर एक बहुला नामक, यहाँ पर ये सखी रहा करती थी। ये सखी ने श्री राधा रानी को लेकर के श्री श्याम सुंदर को साथ में मिलाया करते थे, इसलिए भी ये स्थान का नाम बहुला बन। दूसरा कारण बहुला बन, अभी उन्होंने बता रहे थे ना, यहाँ पर कोई एक गाभी थी। ये पूर्व जन्म का किसी अभिशाप से ये गाभी बनी हुई। जब यहीं पर वो गाभी चढ़ते चढ़ते यहाँ पर आया, इतने में एक बाघ ने उसको आक्रमण किया। आक्रमण किया तो गाभी ने कहा, देखो आप मेरे को खा जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में एक छोटी सी बच्चिया है, अभी कम से कम उसको मैं बोल करके आता हूँ, ये आज अंतिम तेरे को हम स्तन पिला करके जा रही हूँ, आज मेरे को बाघ खाने वाले है। इतने में बोले, तुम सच बता रहे हो? बोले मैं एकदम सच बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जरूर आऊंगा। अभी गैया जाकर के बछड़े को बोले, बोले बछड़े कि जो स्तन पिला रहे हम तुमको, ये लास्ट तुमको स्तन पिला रही हूँ और मैं आने वाला नहीं, मेरे को एक बाघ खाने वाला था, मैंने उसको प्रतिश्रुति दे करके आया हूँ, अभी मेरे को बाघ अभी खा जाए। बोले मैया, अरे आपको नहीं, मैं जाकर के प्राण दूंगी, आप रहो। इतने में जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण ना कह, नहीं तुम्हारा विनिमय में मैं ये प्राण को दूंगा। अभी ये तीनों यहीं पर आए और आकर के सबके सब वो प्राण देने के लिए तैयार है। कहते इतने में यहाँ पर कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण प्रकट होकर के बाघ का जो हृदय को उन्होंने परिवर्तन कर दिया और उनको रक्षा की है, इसलिए इस स्थान का नाम है बहुला बन है। कहते यहाँ पर जो आप लोगों ने कुंड देखा, कहते यहाँ पर दो कुंड है, कहते एक शंकर सर कुंड और एक हनुमान सरोवर, यहाँ पर दो कुंड है। यहाँ पर किसी समय श्री राधा रानी मान की है, मान करके राधा रानी जब रूट करके चली गई, अभी श्याम सुंदर राधा रानी को ढूंढने के लिए चारी तरफ में ढूंढ रहे हैं, श्री राधा रानी कहाँ, अभी राधा रानी मिल नहीं रही, राधा रानी कहाँ, मान करके चली गई। इतने में ढूंढते 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 उन्होंने श्री राधा रानी को प्राप्त की और बहु कष्ट से श्री राधा रानी को उनको मान को उन्होंने भंजन किया है। इसलिए जो राधा रानी का जो मान है, कहते ये दो तरह से राधा जी की मान होता है, कहते एक सहेतुकी और एक अहेतुकी। कहते सहेतुकी, सहेतुक मतलब कुछ कारणों को लेकर के राधा रानी की मान होती है, कि जो मान है, कहते ये प्रेम को बढ़ाने वाली एक मान है। कहते एक होता है अहित, एक होता है सहेतुकी और एक अहेतुकी। अहेतुकी मतलब होता है बिना कारण के कभी कभी राधा रानी मान करती है। कहते बिना कारण से क्यों मान करती है? कहते जो मान है कि ये प्रेम विशेष ये मान है, इसलिए जब मान हो, अगर कुछ समय के लिए मान अगर हो, उसको बाद में जाकर जो मिलन होता है ना, फिर उसको अंदर में एक विशेष आनंद प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर ये मान सरोवर भी यहाँ पर है और यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते, महाप्रभु जैसे हम लोग ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, अभी पंडित जी बोल रहे थे ना, यहाँ पर सबके सब लोग यहाँ पर आए, रामानुज आए, मध्वाचार्य आए, विष्णु स्वामी आए, निम्बार्क आचार्य आए, श्री बल्लभ संप्रदाय में श्री बल्लभाचार्य इनका यहाँ पर गद्दी है, विठल नाथ आए यहाँ पर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यहाँ पर आए, यहाँ पर श्री प्रभुपाद भी आए, यहाँ पर हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी आए, यहाँ पर श्री भक्ति वेदास बामन गोस्वामी नारायण गोस्वामी महाराज जी भी आए, और इनके अनुगत्य में हमारा श्री तीरथ महाराज जी,
बन महाराज जी, माधव महाराज जी, सिद्धार्थ महाराज, विष्णु दैवत महाराज, ये लोग और आप लोग भी यहाँ पर आए हो, इसलिए श्रीधर महाराज भी आए, इसलिए यहाँ पर हमारे जितने सब आचार्य लोग है वो सबके सब यहाँ पर आए, इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अभी तो हम लोग बस में आ गए। हमारी जो परिक्रमा है ना, जितने परिक्रमा होती है सबसे आसानी परिक्रमा हमारी, सबसे आसानी परिक्रमा, क्योंकि जब पहले अभी भी बल्लभ संप्रदाय में लोग परिक्रमा करते हैं, करोड़पति घर के माताएं पुरुष लोग है, हाँ 40 दिन इनकी परिक्रमा होती है, दिन में 10-10 किलोमीटर, दिन में 15-15 किलोमीटर पैदल में चल चल कर परिक्रमा करते हैं, और अरब खरब पति के बगैर जूते के, कोई प्यार में कोई जूती धारण नहीं करते हैं, और आप देखोगे लठिया लेकर के चलते हैं, क्योंकि दिन में 15-15 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर 40 दिन तक ये परिक्रमा करते हैं, प्यारना उनको सूझ जाती है, ऐसे कठोर परिश्रम रहती कहाँ पर हम लोगों के लिए। गुरुदेव कहते हमारे लिए तो 8 बाथरूम चाहिए, पहले रिजर्व करते 8 बाथरूम होनी चाहिए, और स्नान करने के लिए गर्म पानी होनी चाहिए। वो लोग कैसे कहाँ पर पैखाना रहते हैं, मैदान में चले जाते हैं, और जैसे तैसे पानी में स्नान कर, इसलिए सोना भी कैसे है वो टेंट लगा करके, हाँ साधारण टेंट लगा करके किसी तरह से सोते हैं वहां पर, बड़े कष्ट और परिश्रम। इसलिए कहते जो नौ तरह का जो भक्ति है उसमें एक जो भक्ति पाद सेवनम, एक भक्ति है पाद सेवना के भक्ति, वो भक्ति कैसे होता है मतलब चल करके, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जब परिक्रमा जाए ना जूती नहीं लेनी चाहिए, हाँ जूती नहीं पहननी चाहिए, नंगे प्यार में चलनी चाहिए, कम से कम ये ब्रज रजत स्पर्श होगा कम से कम शरीर को। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते महाप्रभु जब यहीं पर आए, महाप्रभु आते ही यहाँ के जितने गैया थे महाप्रभु को चारों तरफ में घेर गए, और महाप्रभु का शरीर को चाटने लग गए, और महाप्रभु प्रेम में विभोर हो गए। यहाँ पर पपिया, यहाँ पर कोयल, यहाँ पर जितने तोते सबके सब महाप्रभु चारों तरफ में घूम करके घेर गए, और सबके सब महाप्रभु का जो आवेश है उनके अंदर में भी आवेश हो गया, सबके सब निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए महाप्रभु यहीं पर उन्होंने देखा, सुख सारी जो संवाद है यहीं पर उन्होंने देखा, एक मैना और एक तोता है, एक हाँ कहते जो मैना और तोता दोनों टहनिया पर बैठे हुए और आपस आपस में संवाद तर्क वितर्क कर रहे हैं। तोता कहता है मेरे श्याम सुंदर गिरिराज उठाया, मैना कहते चुप रहो गिरिराज कन्हैया ने उठाया, बोले किसने उठाया, बोले बताओ तो कौन हाथ में उठाए, बोले बाम हाथ से, बोले कौन सा अंगुल में, बोले बाम अंगुल में, बोले उठाया कैसे, बोले शक्ति से, बोले कृष्ण का शक्ति कौन है, राधा रानी, फिर किसने गिरिराज उठाया, कहते श्री राधा रानी। इसलिए ब्रज में कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से गिरिवर लय उठाया, बोले राधा रानी की। इतने में तोता कहता है हमारे जो श्याम सुंदर है वो बाम तरफ में झोंक करके खड़े रहते हैं ऐसे त्रिभुवन ललिता में, इतने में मैना कहते तुम्हें पता है वो बाम तरफ में क्यों झुके रहते हैं, हाँ सीधा तरफ में नहीं क्यों, बोले क्यों, बोले बाम तरफ में श्री राधा रानी रहती हैं, इसलिए बाम तरफ में झुके रहते हैं राधा जी के चरणों को पाने के लिए। इतने में तोता ने कहा हमारा जो श्याम सुंदर सर पर मयूर पंख धारण करके रखे, मैना कहती तुम्हें पता है ये मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, बोले क्यों, बोले हमारे उसमें श्री किशोर जी की नाम लिखा हुआ है इसलिए धारण करते हैं। इसलिए तोता कहता है मेरे जो श्याम सुंदर है मदन मोहन है, मैना कहती है पता है तुम्हें इसका नाम मदन मोहन क्यों नाम पड़ा, वो केवल मदन है, जब राधा रानी बाप पास में खड़े हो तभी वो मदन को मोहित कर देते हैं, नहीं तो स्वयं मदन को द्वारा स्वयं ये मोहित हो जाते हैं। इतने में बोले हमारे श्री राधा रानी जो किशोर जो वो कदम वृक्षों के नीचे खड़े रहते हैं और बंसरी बजाते हैं। तोता कहती है तुम्हें पता है वृक्ष तो बहुत सारे हैं, ये कदम वृक्षों के नीचे क्यों खड़े रहते हैं, बोले कारण है वो कदम वृक्ष राधा जी का स्वरूप है, और दूसरा कारण है वो कदम वृक्षों के नीचे राधा रानी रोज आती है ना, इसलिए राधा रानी से मिलने के लिए वो कदम वृक्षों के नीचे खड़े रहते हैं।
मैं तोता कहता है हमारे श्याम सुंदर चंद्रमा, क्या चंद्रमा ना क्या, इसलिए कहते हमारे जो राधा रानी कहते चंद्रमा को पकड़ने के लिए फांद है। इसलिए यहाँ पर दोनों धन अंदर बड़े तर्क वितर्क, महाप्रभु तो उसको देख करके प्रेम में विभोर हो गए। इतने में बोले देखो लड़ाई करके कोई काम बात नहीं है, राधा जी के बगैर कृष्ण भी आधा और राधा जी कृष्ण बगैर से राधा रानी आधा है। इसलिए बोले जापी राधा सापी कृष्ण जराधा कृष्ण एवस एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम, जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा। इसलिए एक ज्योति ही कभी ये दो रूप में प्रकट हुए श्री राधा और कृष्ण। उदाहरण दिया जैसे दिया जलता है ना, दिया में जैसे एक जगह में तेल रहता है, देखना इस तरफ में एक दिया जल रही है और एक तरफ में एक दिया जल रही है, लेकिन तेल कहाँ, बोले एक ही तेल है दो तरफ में दो दिया जलता है। दूसरा उदाहरण दिया जैसे कमल का फूल, जड़ एक है लेकिन एक जड़ से दो उसमें फूल दो निकले हैं, है इसलिए तत्वतः इसलिए बोले राधा भाव दुति सुगोलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। इसलिए राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, बोले एक साथ में चलो हम श्री राधा कृष्ण की दोनों गुणगान करते हैं। बोले श्री जुगल सरकार की जय, श्रीमती राधा रानी की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरी।